फुल ऑफ मैजिस्टर एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम मुफान होता है। वो मेडिकल एग्जाम दे रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। लेकिन जब वो 3 महीने पहले पहाड़ी में गया था तो एक बूढ़ा आदमी उसे मिला था जिसने उसे एक लॉकेट दिया था और बोला था कि हमेशा इसे अपने गले में पहने रहना। उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए मुफान उस लॉकेट को पहने रहता है जिससे उसे मैजिक की ताकतों का महसूस होता है। उसके बाद उसके दोस्त मिलते हैं जहाँ मुफान के साथ मोबाइल भी जा रहा होता है जो कि आइस फैमिली से बिलोंग करता है और उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल बोलता है बिल्कुल मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसके दोस्त पूछते हैं तुम तो बहुत होशियार लगते हो, तुम तो इस टेस्ट में भी पास हो जाओगे। मोबाइल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस बेसिक टेस्ट है, असली टेस्ट तो आगे होगा क्योंकि आगे जाके पता लगाया जाएगा कि हमें कौन सा मैजिक है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मोबाइल बोलता है इसलिए क्योंकि वो उसके अंकल का कॉलेज है। दूसरी तरफ हमें मुफान को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि आज के टेस्ट में वो पास हो सकता है कि नहीं। फिर उसके डैड आते हैं जो उसका वेट कर रहे होते हैं। मुफान उनसे मिलता है। उसके डैड बोलते हैं उन्होंने उसके लिए एक डिलीवरी बॉय का जॉब ढूंढ के रखा है तो क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। मुफान बोलता है नहीं, वो चाहता है कि वो इसी स्कूल में पढ़ के और भी मैजिक सीखे। ये बात सुन के उसके डैड मान जाते हैं और मुफान खुश हो जाता है। उसके डैड बोलते हैं उसका एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद करेगा इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। ये बात भी सुन के वो खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है उसके दोस्त के पास, दोनों जा रहे होते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतनी देर से मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, आखिर बात क्या है। जहां दूसरी तरफ उसके डैड मोही नाम के एक बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसका वो एकेडमी होता है। उसके डैड मोही से बोलते हैं क्या तुम मेरे बच्चे को उस एकेडमी में एडमिशन दे सकते हो। मोही थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसके बेटे ने यानी मुफान ने उसकी बेटी को अपने घर लेकर आ गया था जिसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा होता है लेकिन आखिर में मान जाता है, उसके बेटे को एडमिशन दे देता है। और ये सब मुफान दूर से देख रहा होता है और बोलता है कि उसके एडमिशन के लिए उसके डैड को क्या क्या करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है मुफान के घर का जहाँ पे वो अपने डैड के साथ खाना खा रहा होता है। उसके डैड बताते हैं कि उसका दोस्त मान गया है तुम्हें एकेडमी में लेने के लिए। ये बात सुन के मुफान काफी खुश हो जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मुफान एक लड़की से मिलता है जो उसकी दोस्त होती है और उसका नाम तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो। वो लड़की अपने घर में नहीं रहना चाहती है। ये सुन के मुफान उसको अपने घर ले जाता है। उसके बाद जो लड़की होते है उसके घर में जब पता चलता है कि वो मुफान के घर में है तो वो मुफान के घर आते हैं और उनको पीटते हैं। और वो कोई नहीं मुफान के डैड के दोस्त होते हैं जहाँ मुफान पढ़ते हुए बोलता है वो उस लड़की से बदला जरूर लेगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ मुफान का पहला दिन होता है और पहली क्लास शुरू होती है जहाँ पे उसकी टीचर बताती है सामने जो गोला रखा है वो बताएगा तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है। फिर टीचर उनको 7 स्टार दे देते हैं, उसके हिसाब से उनकी ताकतों का पता चलेगा। उसके बगल में जो लड़का बैठा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आप इसे क्यों दे रहे हैं स्टार, ये तो बेकार है, इसमें तो कोई भी ताकतें नहीं है। उसके बाद मोबाइल उस गोले की तरफ जाता है और उसमें हाथ रखता है जिससे नीले कलर की रोशनी निकलती है। टीचर उसको देख कर बोलते हैं इसमें आइस की ताकतें हैं। मोबाइल बोलता है उसे ये बातें पहले से पता ही थी कि उसके पास आइस का ही पावर होगा। वो काफी खुश हो जाता है और फिर वो मुफान की तरफ देखकर हंसने लगता है। उसके बाद सब लोग जाते हैं और उस गोले पे हाथ रखते हैं जिससे उन सबको कोई ना कोई पावर मिलता है, किसी को विंड तो किसी को आर्ट या फिर वाटर, और कुछ बच्चे रोते हैं क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मुफान की बारी आती है, वो आगे बढ़ता है जहाँ जो बच्चे होते हैं उसके ऊपर हंस रहे होते हैं लेकिन वो उन पर ध्यान न देते हुए उस गोले पर हाथ रखता है और उसमें खो जाता है। अपनी आंखें बंद करता है तो उसे स्पेस दिखता है जहाँ पे बिल्कुल पर्पल होता है और वहाँ पे काफी चमक रहा होता है पर्पल ऑरा में, जहाँ बाजू के क्लास वाले भी उसे देखने आते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग चमक रही है वो भी पर्पल कलर की। उसके पीछे ये देख के काफी चौंक जाते हैं और बोलते हैं 10,000 लोगों में किसी एक के पास होती है लाइटनिंग पावर। मुफान की जो लाइटनिंग होती है वो वापिस चली जाती है और थोड़ी सी फायर रह जाती है। फिर मोबाइल के दोस्त आते हैं, वो उसको देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें कोई भी ताकतें नहीं है तो जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, जहाँ मुफान के हाथों में तो फायर होता है। टीचर ये देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं ये भी एक अच्छी पावर होती है तो तुम फिक्र मत करो। पीछे से बच्चे बोलते हैं ये तो गरीब घराना का है तो इसके पास पावर कैसे आ सकती है। मोबाइल काफी गुस्से में होता है और जलन भी हो रही होती है उसे कि किसी के पास उससे ज्यादा ताकत आ गई है और वो फेमस भी हो गया है। और दूसरी तरफ मुफान चने के झाड़ पर चढ़ जाता है, वो अपने आप को गॉड समझने लग जाता है कि अब वो ही सब कुछ है। अगले दिन स्कूल में टीचर उनको एक स्पेल के बारे में बता रहे होते हैं, इसे यूज करने के बाद तुम्हारे स्टार बच जाएंगे। टीचर मोबाइल को बुलाते हैं
और उस स्पेल को यूज करने के लिए बोलते हैं, जहां वो मोबाइल यूज भी करता है और काफी अच्छा करता है। उसके बाद जब स्कूल खत्म होता है तो मूफान उस स्पेल को ट्राई करता है और उसमें पर्पल कलर की ऑरा आती है। वो काफी चौंक गया होता है क्योंकि उसका तो पावर फायर है, तो ये पर्पल क्यों आ रहा है। फिर वो वहां से भाग कर चला जाता है जहाँ पार्क में उसकी बहन बैठी होती है जिसके पास व्हील चेयर नहीं होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ है। उसकी बहन बोलती है कि कुछ लोग उसके साथ मस्ती कर रहे थे और उसकी व्हील चेयर को ले गए, और वो बताती है कि वो रहे जो मेरी व्हील चेयर लेके गए हैं। फिर मूफान उनके पास जाता है। वो लोग काफी हंस रहे होते हैं लेकिन मूफान काफी गुस्से में होता है और अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है, जिसे देख कर वो काफी डर जाते हैं और कुछ लोग तो भाग जाते हैं और बाकी बचे लोग उससे माफी मांगते हैं कि मुझे कुछ मत करना। फिर मूफान उस व्हील चेयर को लेकर अपनी सिस्टर के पास जाता है, जिसे देख कर उसकी बहन काफी खुश हो रही होती है और बोलती है तुम्हारे पास तो लाइटनिंग की पावर है, तुम तो बहुत कमाल के हो मूफान। अगले सीन में मोहित अपने घर में बैठा होता है जहाँ मोबाइल आता है और मोहित उसे पूछता है कि तुम्हारे कितने स्टार हुए। मोबाइल बताता है कि उसके 5 स्टार हो गए हैं और वो जल्दी से 7 कर लेगा जिससे उसके मैक्स हो जाएंगे। ये बात सुन के मोहित बोलता है इतना जल्दी मत करो, आराम से करो। फिर वो पूछते हैं कि मूफान के कितने स्टार हुए। मोबाइल बताता है कि उसके 1 स्टार हुए हैं। मोहित ये बात सुन के बोलते हैं उसको कम मत समझना क्योंकि अब उसके पास फायर आ चुका है तो वो तुम्हें टक्कर दे सकता है। मोबाइल बोलता है तो आप उसका कुछ करते क्यों नहीं। मोहित बोलता है मैं देखता हूँ उसको। फिर सीन मूफान के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो नहा रहा होता है और अपनी फायर पावर को यूज कर रहा होता है, जिससे बाथटब का पानी पूरा खोल जाता है और उसका शरीर भी गर्म हो जाता है और लाल भी। जहाँ उसकी बहन पूछती है तुमने बाथरूम में क्या किया है, वो बोलता है कुछ तो नहीं, यहाँ पूरा तापमान बदल गया है। मूफान बोलता है कुछ भी नहीं। मूफान की बॉडी इतनी गर्म हो चुकी होती है कि उसकी बहन पास में बैठी होती है, वो उसको दूध भेज देता है और उनको बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अगले दिन में, जहाँ पे एक खूबसूरत टीचर आती है जिसका नाम यू होता है। स्टूडेंट उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं ये हमें क्या सिखाएगी, ये तो एक लड़की है। फिर यू अपना मैजिक दिखाती है और उस टारगेट पर अपना पावरफुल अटैक करती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना।